कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन से उन लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है जो रोज कमाते हैं और खाते हैं। अहमदाबाद की सामाजिक संस्था कर्मा फाउंडेशन ऐसे ही लोगों का पेट भरने का काम कर रही है। शहर की सबसे बड़ी कम्युनिटी किचन में रोज 10,000 लोगों का खाना बनता है, जिसके बाद ये खाना गरीब लोगों को अलग अलग इलाकों में जाकर बांटा जाता है। कढ़ाई में तलती पूरी, पैक होते पराठे और हाथ में सब्जी का जायका, ये किसी कार्यक्रम के लिए दावत की तैयारी नहीं बल्कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों का पेट भरने वाले मिशन की तैयारी है। कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन इस माहौल में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दो वक्त रोटी से दूर हो गए हैं। ऐसे लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाई है अहमदाबाद की सामाजिक संस्था कर्मा फाउंडेशन ने, जहां रोजाना 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। ये शहर की सबसे बड़ी कम्युनिटी किचन है जो जरूरतमंद लोगों का पेट भरने के लिए अपनी सेवाएं दे रही है। पूरा देश जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, देश में लॉकडाउन है, लोग अपने अपने घरों में हैं ताकि एक सेफ डिस्टेंस बनाया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जो होमलेस हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके लिए आप देख सकते हैं अहमदाबाद में ये सैकड़ों कार्यकर्ता जो हैं कर्मा फाउंडेशन के, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोज़ सुबह इकट्ठे होते हैं अहमदाबाद के अंदाज ग्रीन पार्टी प्लॉट में और यहाँ पे इकट्ठे होकर के वो करीब 10,000 से ज़्यादा फूड पैकेट्स जो हैं वो तैयार करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार जो यहाँ पे लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं इस कर्मा फाउंडेशन के, वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये फूड पैकेट्स जो हैं ये अहमदाबाद पुलिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कलेक्ट्रेट की जो टीम्स हैं उनके द्वारा ये बांटे जाते हैं अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में। पूरे अहमदाबाद में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगी हुई हैं इस काम में। लॉकडाउन की घोषणा के बाद संस्था से जुड़े लोगों ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से परमिशन लेकर अगले ही दिन से ये कम्युनिटी किचन शुरू कर दी। इस किचन में हर रोज लगभग 100 वॉलंटियर्स इकट्ठा होकर 10,000 से ज्यादा फूड पैकेट तैयार करते हैं। इसके बाद पुलिस और कॉरपोरेशन की मदद से ये खाने के पैकेट्स अहमदाबाद शहर के उन इलाकों में पहुंचाए जाते हैं जहां सड़क के किनारे रहने वाले जरूरतमंद और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं। अच्छी बात यह है कि रोज इन लोगों को दो वक्त ये खाने के पैकेट पहुंचाए जाते हैं। आई फील इट्स वेरी बेनिफिशियल जो लोगों को अभी इस टाइम में बेचारे पुअर लोगों को जिनका डेली वेजेस और सब चला गया है, फॉर देम टू गेट दिस फूड पैकेट्स इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसा बोल सकते हैं। एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड के वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम इन दिस वे। इन द टाइम आप अगर देखेंगे इधर आपको लगेगा कि मे बी बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, बट ये लोग जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो सर्विस कर रहे हैं फॉर द पुअर पीपल, अथॉरिटीज के साथ खड़े रहने भी एक सिटीजन और वॉरियर के हिसाब से जब कंट्री एक वॉर पे ही है तो अपनी भी ड्यूटी बनती है। तो ही कॉल सेट के लेट्स गो आउट, थोड़ा करते हैं, कुछ सोचते हैं कैसे करें। इट वाज अ चैलेंज हमारे लिए, पहले 24 घंटा थोड़ा चैलेंज था, बट जैसे ही हमने कर्मा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को एक आवाज़ दिया, ऑल द 70 पीपल केम फॉरवर्ड, सारे वेल नोन एंटरप्रेन्योर्स एस्टैब्लिश पीपल ऑफ द सिटी और सब आ गए साथ में। देयर बिजनेस स्पैन ऑफ 3 घंटे, खाली 3 घंटे के स्पैन में हम लोग 10,773 पैकेट तक पहुंच गए। येस्टरडे हमारा काउंट था पर डे और आज तक, आज हमारा 9वां दिन है, वी आर क्रॉसिंग 70,000 फूड पैकेट्स। हजारों लोगों के लिए खाना तैयार कर रहे ये सैकड़ों समाज सेवी एक तरफ लोगों की सेवा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन भी कर रहे हैं। पूरी साफ सफाई से तैयार करने के अलावा संक्रमण से बचने के लिए ये वॉलंटियर्स चेहरे पर मास्क, सिर पर टोपी और हाथों में ग्लव्स पहनकर खाने के पैकेट तैयार कर रहे हैं ताकि खाने के साथ लोगों की सेहत से कोई समझौता ना हो। सबसे खास बात यह भी है कि यहाँ आने वाले वॉलंटियर्स को
एक अनोखे तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। जो प्लेटफॉर्म है इसमें ये फैंस जो लगे हुए हैं इसमें सैनिटाइजर जो है उसका लगातार स्प्रे होता रहता है और आप जब यहाँ एंटर होते हैं तो ये सैनिटाइजर जो है आपकी पूरी बॉडी को पहले सैनिटाइज कर देते हैं, जो भी आपने सामान अपने साथ लिया हुआ है उसको भी सैनिटाइज कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसके बाद आपको यहाँ के ग्लव्स पहनने हैं, कैप पहनना है, मास्क वगैरह पहनना है और उसके बाद फिर आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 10,000 से ज़्यादा फूड पैकेट डेली बनाए जाते हैं, जो कि अलग अलग इलाकों में जो होमलेस लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास खाने पीने का कोई संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं इन दिनों में लॉकडाउन के, उन्हें भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि संस्था के वॉलेंटियर्स सुबह 6 बजे से ही अपनी सेवाएं देना शुरू कर देते हैं और करीब 9 बजे तक 10,000 खाने के पैकेट तैयार कर देते हैं। अभी जो देश अपने संकट से गुजर रहा है, पिछले 10-12 दिन से जो लॉकआउट की स्थिति आई है, वहाँ से बहुत इतने लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने ये सोचा, फर्स्ट डे ही हमने ये चालू कर दिया था कि अपने को कैसे भी करके इन लोगों को खाना पहुँचाना है। मैं सबसे सेटिस्फैक्टरी पार्ट यही होता है कि आपको लगता है कि आप यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, तो अच्छा फील होता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर यू आर फीलिंग दैट देयर इज नथिंग टू डू, तो कुछ ऐसा करे जिससे किसी को फायदा होगा। वी हैव रिसोर्सेज, हमारे पास पैसा है, तो प्रैक्टिकली वी शुड हेल्प पीपल इस टाइम पे और इसी टाइम पे हम मदद कर सकते हैं लोगों की। कर्मा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स कोरोना के खिलाफ भारत में चल रहे महायुद्ध के ये वो सैनिक हैं जिन्होंने संकट के समय में जरूरतमंदों की भूख मिटाकर एक नई मिसाल पेश की है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।